नमस्कार अस्सलाम असलाकम मैं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट प्रॉपर्टी मॉल वो फतेह अली खान साहब का एक गीत है और उसमें वो एक शेर उन्होंने कहा कि मोहब्बत की कोई मंजिल नहीं है मोहब्बत की कोई मंजिल नहीं है मोहब्बत मौज है साहिल नहीं है मोहब्बत की कोई मंजिल नहीं है मोहब्बत मौज है साहिल नहीं है मेरी अफसरदगी पे हंसने वाले तेरे पहलू में शायद दिल नहीं है मेरी अफसरदगी पे हंसने वाले तेरे पहलू में शायद दिल नहीं है अब जो लोग उर्दू नहीं जानते हैं तो मौज कहते हैं कि लहर को साहिल कहते हैं किनारे को कि मोहब्बत लहरें हैं किनारा नहीं है और इसकी कोई मंजिल भी नहीं है और मेरी अफसुर्दगी अफसुर्दगी कहते हैं जब कोई बंदा उदास होता है उदासी उदासी पे हंसने वाले तेरे पहलू में शायद दिल नहीं है तेरे सीने में शायद दिल नहीं है तू पत्थर दिल है जो किसी की उदासी पे हंस रहा है तो ऐसे ही अभी हम बात कर रहे थे सेल्समैन से बैठ के तो लेकिन वो बेचारे अभी क्योंकि बहुत सारे लोग नए आते हैं तो उनको नहीं पता होता कि साल पहले क्या था अब मैं उस पर हंसूँ वो तो वो गलत बात है अब उसके पास बेचारे के पास नॉलेज थी वो कोशिश कर रहा था बताने की लेकिन क्योंकि नए बंदों को नहीं पता होता तो आज हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर खड़े हैं ये सेक्टर 91, 92 की जो डिवाइडिंग रोड है ये सामने वहाँ एयरपोर्ट रोड चल रही है और वहां से बीच में ये रोड सीधी इस तरीके से ऐसे घुमा के कैमरा दिखाते हैं सामने सेक्टर 91 वन की डिवाइडिंग सौ फिट रोड है और इस तरफ कैमरा घुमा के दिखाते हैं वो सामने जूम करके दिखाते हैं कि जो बिल्डिंगे हैं वो सारी आई पार्क आठ बी इंडस्ट्रियल आई पार्क की सारी बिल्डिंग है और वहां से सीधी साठ फिट की एक रोड जिसका यहां पे जहां पे अभी मिट्टी आप देख रहे हैं यहां पे चौक बनना है उधर से इंडस्ट्रियल एरिया से आठ भी इंडस्ट्री एरिया जो कि आईटी पार्क है वहां से साठ फीट की रोड का यहाँ चौक बनेगा और ये सौ फीट की रोड है जिसके ऊपर हम इस तरफ ऐसे करके खड़े हुए हैं तो ये सीधी जाएगी आगे जो आ, पी आर सिक्स आ रही है दो फीट रोड जो पास हो चुकी है वो सामने से गाड़ी जा रही है वहां से वो दो फीट जाएगी तो ये मोहाली का एरिया है प्रॉपर मोहाली है इसके अलावा एक और चीज है जो नए यंग लोगों को नहीं पता है तो जब आप गमाडा का मास्टर प्लान देखेंगे तो इस तरफ ये जो सामने आपको ग्रीन शेड दिखाई दे रहे हैं इसके पीछे जो बेल्ट है ये सारी की सारी अ गोल्फ रेंज मोहाली के तौर पे डेवलप होगी और गमाडा उसको डेवलप करेगा तो यहाँ कोई कॉलोनी नहीं आ सकती ये ग्रीन बेल्ट है तो ग्रीन बेल्ट के इस तरफ ये रोड है रोड के आसपास थोड़ी सी जगह है जहां पे डेवलपमेंट हो सकती है बाकी सारा ग्रीन जोन है तो ये भी बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि यहाँ पे ये चीज भी है अब यहाँ पे आज से कोई आ, साल डेढ़ साल पहले आ, ये जो जमीन पे प्लॉटिंग बुक होनी शुरू हुई थी तो जब बुक होनी शुरू हुई थी आ, तब 25 परसेंट पेमेंट दी थी और उसके बाद इसकी अब सी एल यू आ चुकी है रेरा इसका आने वाला है पेंडिंग है तो सी एल यू तक पहुंचने में प्रोजेक्ट का जो फर्स्ट फेज होता है काफी सम लंबा समय भी लग जाता है कई बार वो बड़ी जल्दी हो जाती है उसमें कुछ टेक्निकल बातें होती हैं क्यों जल्दी हो जाती है और क्यों लेट होती है वो एक सेपरेट वीडियो में हम बता देंगे तो जो मैक्सिमम डिले होता है प्रोजेक्ट का वो सी तक ही होता है उसके बाद फिर फास्ट हो जाता है जैसे हम पहले कच्चे रास्तों से गाड़ी निकाल के जब हाईवे पे चढ़ जाते हैं तो फिर आगे स्पीड तेज हो जाती है तो आ, किसी भी प्रोजेक्ट जो गमाडा के अंदर प्रोजेक्ट आते हैं उनके अंदर खासकर डिस्ट्रिक्ट मोहाली के अंदर जमीन खरीदने से सी एल यू आने तक वो कच्चे रास्ते होते हैं उसके बाद फिर हाईवे हो जाता है फिर रेरा बड़ी जल्दी आ जाता है क्योंकि सिर्फ मैप सबमिट होता है और मैप पास होके आ जाता है तो रेरा आ जाता है लेकिन पहले वाला टाइम जो होता है वो थोड़ा लंबा खींच सकता है उसमें बहुत सारे कारण हैं वो नहीं डिस्कस करेंगे तो अब गाड़ी हाईवे पे आ गई है इस प्रोजेक्ट की तो इसको यहाँ तक आने में साल डेढ़ साल लग गया और जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था सारे डील सर उन्होंने वेट भी किया है पेशेंस भी रखा है क्योंकि जब किसी प्रोजेक्ट की इतनी लंबे देर तक फर्स्ट सी एल यू नहीं आती है तो बड़े नेगेटिव जो है भाव मन में आते हैं डर भी लगता है कि कहीं हम फर्स्ट तो नहीं जाएंगे कहीं हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा क्योंकि जिसको नहीं समझ समझा उसको तो डरना स्वाभाविक है तो वो वाला फेज अब कवर हो चुका है अब यहाँ पे जो प्लॉट हैं जिन लोगों ने पहले बुक किया था वही सेल कर रहे हैं क्योंकि ब्रांड के पास जो डेवलपर था उन्होंने तो फर्स्ट डे में ही सारा स्टॉक सोल्ड कर दिया था तो अब जो हमारे बहुत सारे ऐसे जानने वाले हैं जिनके यहाँ पे बुकिंग कर रखी है और उनके बिहाफ पे ही हम ये वीडियो बना रहे हैं अब यहाँ पे रेरा आने वाला है सी एल यू आ चुका है अब थोड़ी बहुत डेवलपमेंट यहाँ पे आपको दिख रही है काम चल रहा है तो अब यहाँ पे प्राइस जो है फिफ्टी वन थाउजेंड पर गज का हो चुका है लेकिन जिन्होंने पहले बुकिंग करी थी उन्होंने काफी सस्ते प्राइस पे की थी तो वो अब आ, मार्केट से सस्ता प्राइस आपको ऑफर कर सकते हैं तो यहाँ पे आज जो ट्रेडिंग होती है वो जो 51 है उससे कम की होती है यानी कि आपको जो एक्चुअल में प्लॉट मिलेगा वो 51 से कम का मिलेगा कितना कम मिलेगा वो डिपेंड करता है कौन बेच रहा है उस पर कितना प्रेशर है बेचने का उस पर पे पेमेंट की कितनी रिक्वायरमेंट है उसको और जिसके पास पैसे की कमी नहीं है और जिसको कोई जल्दी नहीं है वो ऊंचे रेट में बेचेगा और जिसको अर्जेंसी है वो सस्ते रेट में बेच सकता है अब वो सस्ते रेट में आपके पास आता है कि कोई और इन्वेस्टर ले लेता है या कोई प्लॉट डीलर जो होते हैं वो भी बाय कर लेते हैं तो आप तक पहुंचने वाला प्लॉट कितने हाथों में से निकल के आया है उससे भी रेट बढ़ेगा और उसकी अर्जेंसी ऑफ फंड्स क्या है उस पर डिपेंड करता है तो हमारे पास दोनों तरीके के आ, सेलर हैं जिनको नहीं भी जरूरत है वो वाले भी हैं जिनको जरूरत है वो वाले भी हैं आ, लेकिन इतनी भी जरूरत नहीं है कि वो बहुत ज्यादा कम पे बेचे तो कितने कम पे होगा वो जब आप आएंगे आप मैप देखेंगे तो उसमें से कौन कौन सा आपको पसंद आएगा तो वो जिस बंदे का होगा उससे फिर बात करने के बाद हम आपको फाइनल प्राइस नेगोशिएशन की जो होती है टोकन uh, के ऊपर वो करके आपको बता देंगे तो ये सेक्टर 92, 91 की डिवाइडिंग रोड है दोनों तरफ ये uh, आएगा और पीछे इसके सेवेंटी ए है और बिल्कुल सामने वहां पे 200 फुट एयरपोर्ट रोड जो वर्किंग में है वो चल रही है और ये लोकेशन वाइज अच्छा प्रोजेक्ट है एक एक्टिविटीज के अंदर जो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं इन पेड़ों के पीछे वो सामने आईटी पार्क जो लगा उसकी दीवार के साथ आईटी पार्क की दीवार के साथ एक डंपिंग साइट भी है जिसका पीछे जो कूड़ा जैसे दिल्ली में प्रोसेसिंग चल रही है आप देखोगे दिल्ली के अंदर कूड़े के पहाड़ हैं वहां पे अब मशीनें लगा के उसको प्रोसेसिंग हो रही है ताकि उसको कम किया जाए ऐसे ही चंडीगढ़ के साथ में धनास है वहां पे भी कूड़े के पहाड़ हैं उनको भी डेली बेसिस पे लाखों जो टन जो कूड़ा है वो प्रोसेसिंग होता है चौबीस घंटे वो चलती हैं साइड तो उसी कंपनी के पास इसका भी ठेका है इसको भी वो प्रोसेसिंग पीछे चल रही थी यहाँ पे इसको काफी नीचे किया गया है और आने वाले समय में इसको और आ, कम करके यानी कि जो नया कूड़ा है उसको तो, 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 तो फिर डिफरेंट तरीके से प्रोसेसिंग चल रही है लेकिन पुराने जो ढेर लगे हुए हैं अब सरकारें उसको सिंसियरली एफर्ट कर रही हैं क्योंकि कंपनियों को ठेका दे रखा है और वो अपने आप उसको प्रोसेसिंग कर रही है तो वो अगर आप आओगे तो आपको लगेगा कि हाँ एक नेगेटिव चीज आपको दिखने में मिलेगी लेकिन वो इस प्रोजेक्ट का ऐसा नहीं है उसके बीच में कुछ और बिल्डिंगें बनेगी यानी कि जब यहाँ पे कोई प्लॉट लेके घर बनाएगा तो वो उसको विजिबल भी नहीं रहेगा क्योंकि तो बीच में तकरीबन डेढ़ किलोमीटर का फर्क है तीसरी बात एक यहाँ पे आ, रेन वाटर का जो नाला निकल रहा है आ, जो पीछे से बरसात का पानी आता है उसको आगे पटियाला वाली जो तक घग्गर तक इसको कनेक्ट करती हैं ये जो रेन की नाले होते हैं ये बहुत जरूरी होते हैं होने लोग कहते हैं ये नाला चल रहा है अगर पानी आएगा अगर बरसात का पानी आएगा अगर उसको जाने के लिए रास्ता नहीं होगा तो कहाँ जाएगा वहीं जमा हो जाएगा तो हर दो किलोमीटर पे कुदरत ने ऐसे नाले बना रखे हैं नेचुरल कि अपने आप बरसात का पानी उस नालों में होकर आगे नदी के अंदर चला जाता है तो ये नाले बंद नहीं होने चाहिए जहां जहां भी ये बंद किए गए हैं वहां लोग आज समस्या का शिकार हो चुके हैं पानी वहां भरा होता है लेकिन अगर यहां ये इस पास में नाला है एक अच्छा संकेत है क्योंकि बरसात का पानी जब भी आएगा तो इससे फ्लो हो जाएगा आगे आ आगे चला जाएगा यहां पे नहीं रुकेगा तो जितनी मर्जी बारिश आए जहां आसपास नाला है वहां वाले लोगों को दिक्कत नहीं आती है क्योंकि पानी उसमें फ्लो हो जाता है तो ये एक पॉजिटिव चीज है अब वो गिलास आधा भरा है देखने वाले ने देखा और दूसरे नेगेटिव माइंड वाले ने देखा जी आधा खाली है तो इसी नाले का को कोई अपने तरीके से भी सोच सकता है वो उसका नजरिया है लेकिन मेरा नजरिया ये है पॉजिटिव नजरिया कि नाले होने जरूरी है बरसाती नाले हाँ सीवरेज वाला नाला नहीं है वो एक संतुष्टि वाली बात है सीवरेज का नाले आजकल सारे सरकार ने कवर कर दिए हैं अंडरग्राउंड पाइपों के थ्रू जाते हैं तो रेन वाला जो नाला होता है वो तो अगर उसमें पानी आता भी है थोड़ा बहुत तो खेतों वाले ही आजकल सब्जियां लगाने वाले आजकल बहुत हैं शहरों के आसपास वही इंजन लगा के उसको कंज्यूम कर लेते हैं हमने देखे हैं यहाँ पे खरड़ के अंदर एक नाला है जिसमें सीवेज का पानी लोग डालते हैं और दो किलोमीटर के बाद जाओ तो वो ड्राई है बिल्कुल उसमें कुछ भी नहीं है तो पानी कहाँ है तो वहाँ सब्जियाँ लगा रखी हैं और वो सब्जियाँ वाले उसको यूज कर रहे हैं कहते हैं खाद भी है और वही सब्जियाँ इतनी हरी हरी जब मंडी में आते हैं हम कहते हैं बड़े अच्छे है जी बड़ी अच्छी है लेकिन पानी वही सीवरेज वाला लगा होता है उनको चलिए ये अलग बात है लेकिन यहाँ पे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है मैंने उनको ने नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बता दिए हैं उसके बाद आपका मन है आपकी इच्छा है आपने लेना है लें नहीं लेना है नहीं लें हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है पीछे इसके सेवेंटी फोर में कुछ प्लॉट पड़े हुए हैं हमारे पास प्राइम लोकेशन पे उसके पीछे एक सौ सोलह में पड़े हुए हैं तीन चार प्रोजेक्टों में फिर एक सौ तेरह में पड़े हुए हैं तो हमारे पास बहुत क्वालिटी है हमारा कोई बंधन नहीं है कि हमने यही बेचना है और हम ये नहीं कहें कि ये सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट है बहुत सारे और प्रोजेक्ट बढ़िया हैं हाँ, कुछ लोगों को ये पसंद आता है आईटी पार्क आसपास है डिवाइडिंग रोड है ये है। अगर किसी को अच्छा लगता है तो यहाँ पे देख सकता है दिस इज एन ऑप्शन ओनली उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ धन्यवाद